चंपावत में उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण ने चीड़ के पिरूल से बिजली के उत्पादन की नीति बनाई है। ओरेडा नोडल एजेंसी वन विभाग की इस तकनीकी को युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश में जुट गया है, जिसके लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर अभिषेक पांडे ने युवाओं को तकनीकी के बारे में अवगत कराया। एक पॉलिसी बनाई गई है, नीति बनाई गई है, जिसमें जितने भी पिरूल उपलब्ध हैं फॉरेस्ट में, उनसे हम किस तरह बिजली बना सकते हैं, इसके बारे में पॉलिसी बनाई गई है। इस पॉलिसी के लिए रोएडा और फॉरेस्ट विभाग नोडल एजेंसी है, और इसी कार्यशाला को आज आयोजन करने के लिए हमने यहाँ पे एक वर्कशॉप कराई गई है, जिसमें हम सारे विकासकर्ता का चयन कैसे करेंगे ये बता रहे हैं उनके बारे में। उनको ये बता रहे हैं कि कैसे बिजली बनेगी और बिजली बनने के लिए उनको कितनी की पिरूल की जरूरत पड़ेगी, कितना क्षेत्रफल में पिरूल वो क्रिएट कर सकते हैं, और उनसे कितना उनको रेवेन्यू मिलेगा, और रेवेन्यू मिलने के अलावा फिर उनको क्या क्या लाभ है, उनको नीचे स्तर पे जो यहाँ के विकासकर्ता हैं या यहाँ के लोग हैं उनको एक तो रोजगार मिलेगा यहाँ पे, और जो वनों में जो आग लगती है जिससे हमारा स्टेट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू लॉस होता है उसको बहुत ही हद तक का हम उसको कम कर सकते हैं। चीड़ के पिरूल से बिजली का उत्पादन करने से रोजगार की संभावनाएं तो बढ़ेंगी ही, इसके साथ ही वनाग्नि की समस्या का समाधान भी हो सकेगा। चंपावत से हरीश पांडे की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।